हेलो, मैं हूँ रश्मि और आपका फिर से स्वागत है मेरे ट्रैवल ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैं आपको अपना होटल स्टे दिखाने वाली हूँ। मैं 6 दिन नैनीताल में रही थी और मैं आज आपके साथ अपना गुड मेमोरी शेयर करने वाली हूँ। मुझसे बहुत सारे लोगों ने मेरे होटल का डिटेल पूछा था, तो फिर शेयर करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन और शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा मेरा होटल जिसे मैंने ऑनलाइन बुक किया था, तो चलते हैं होटल और कराते हैं आपको होटल का टूर। और ये रहा होटल का रिसेप्शन। इससे पहले कि मैं आपको अपना रूम दिखाऊं, तो चलिए पहले देख लेते हैं रेस्टोरेंट। अभी तो रेस्टोरेंट खाली है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर के टाइम में लोग आते हैं। अब मैं आपको अपने रूम की तरफ ले जा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने तो आपको होटल का नाम ही नहीं बताया, और मैं होटल दिखा रही हूँ आपको। होटल का नाम और फुल रिव्यू मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ अपना होटल रूम, और ये मैं आपको अपना बालकनी दिखा रही हूँ। ऑनलाइन बताया गया था कि ये लेक व्यू रूम है, बट आप यहाँ से देख रहे होगे कॉर्नर में थोड़ा सा लेक दिख रहा है। हमें तो इसी बात की संतुष्टि है कि चलो यहाँ से थोड़ा सा भी लेक दिख तो रहा है। लंबे जर्नी के बाद सानवी बहुत खुश है रूम में आके, और खुशी से डांस कर रही है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग मॉल रोड और नैनी लेक देखने के लिए गए थे, और ये रात के 8 बज रहे हैं और अब हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। हमने होटल के प्राइस में ही ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड कराया था। अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये तो जरूरी है। और हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। सानवी मस्ती के मूड में है। यहाँ लाइट म्यूजिक चल रहा है, लेकिन मैं उसे ऑफ कर दी हूँ कॉपीराइट के इश्यू से। और ये है पीली दाल जो सानवी के लिए ऑर्डर किया था। वैसे तो हम लोगों के लिए यहाँ पे बुफे लगा हुआ है, यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। और हाँ, इस होटल का बटर चिकन बहुत टेस्टी है। आप बाहर भी बैठ के डिनर कर सकते हो। फिर हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए आए। सुबह के 8 बज गए हैं और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे काफी ऑप्शन थे। सानवी तो बिना मोबाइल देखे ब्रेकफास्ट भी नहीं करती। वीडियो में मैं आपको आगे रूम का फैसिलिटी दिखाने वाली हूँ। ये देखो आप, तो ये मेरी बेटी ही दिखाने लगी। और ये देखो कितना चकाचक टॉयलेट है।
इसीलिए ये देखो फेस वॉश, ये देखो यहाँ पे हम लोग नहा नहा करते हैं। वो देखो आए ना, देखो कितना प्याला फुल यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे फ्रिज भी है, ये देखो यहाँ पे फ्रिज भी है, यहाँ पे फ्रिज खाली है, इसमें कुछ सामान भी रख सकते हैं। और ये देखो इसमें सामान है, इसमें अच्छा सामान है, खा रहे हैं। मैं मार्केट से गैस खरीदती हूँ और यहाँ पे कितना अच्छा सामान है। और यहाँ मिली मम्मा कितना अच्छा सा ब्यूटीफुल बेड है, वहाँ पे एक फोन भी है, इतना हेलो हेलो बात भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो कितना छोटा सा लाइट है, इसी भी चला सकते हैं, ऐसी भी कर सकते हैं, ये सब भी कर सकते हैं। यहाँ पे टीवी, यहाँ पे आईना है, यहाँ पे देखो टीवी है, यहाँ पे देखो ये है बालकनी, बालकनी में उसमें छाता दुखला है। ये देखो कितना अच्छा बालकनी, और हम वो भी खा दिए। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा बालकनी है, यहाँ पे बहाल है, और हम लोग यहाँ पे आए हैं होटल में। और ये देखो कितनी प्यारी सी डोर है, हम डोर खरीदते हैं। मेरे पास कोई बच्चा नहीं था ना, इसीलिए हम डोर खरीदते हैं। पानी गर्म होता है इसमें का, पानी गर्म होता है इसमें, कुछ नल का पानी निकालोगे ना पानी गर्म हो जाएगा। ये खुला हुआ है, यहाँ से पानी होता है, यहाँ से चलता है, यहाँ से बंद हो जाता है, ये पानी गर्म होने वाला है। और यहाँ पे ढेर सारा मक्खा से दिया है, लेकिन नीचे जूस वूस कुछ भी पी सकते हैं, चाय वाय कुछ भी पी सकते हैं इसमें। ये देखो ये इसमें सामान रखने वाला है, ये सामान रखने वाला है। और ये रहा फिर से ब्रेकफास्ट। आप लोगों को लग रहा होगा मैं सुबह शाम सिर्फ खाना खाते वक्त ही दिखा रही हूँ। नैनीताल घूमने का वीडियो तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ली हूँ। आज थर्ड डे है और सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप निकली है। हालांकि आज के दिन मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश का अनुमान बताया है, तो हम लोग सुबह सुबह खिली खिली धूप में रिलैक्स कर रहे हैं। मेरी बेटी ने कुछ नोटिस कराया, बोली ये देखो मामा क्या है, तो मैं देखी अरे ये तो रोपवे है, ये मेरे होटल के जस्ट पीछे से क्रॉस होता है। ये मैं आपको क्लोजअप व्यू दिखा रही हूँ, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये आप मेरे होटल में बैठ के देख सकते हो। और ये रहा होटल का दूर से व्यू। अब मैं आपको बालकनी का व्यू दिखा रही हूँ। मौसम विभाग सही था और अब बारिश शुरू होने वाली है।
और ये बादल के साथ माउंटेन व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। मैं यहाँ से लेक थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। रेड अलर्ट की वजह से हम लोग रूम में ही है और हम लोग रील बना रहे हैं। और ये देखो तेज बारिश हो रही है। मैं तो बारिश में भी बाहर निकल गई थी। लौटते वक्त मैंने होटल जाने का रास्ते का वीडियो भी बनाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कितने चढ़ाई पे है और ऊंचाई पे है। यहाँ होटल जाने के लिए टैक्सी वालों को भी बहुत परेशानी होती है क्योंकि आगे बहुत खड़ी चढ़ाई है। हालांकि होटल वालों ने पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दी है लेकिन हमेशा ये अवेलेबल नहीं होता है। अब हमें सुबह सुबह मॉल रोड जाना था तो टैक्सी अवेलेबल नहीं था। मैं पैदल ही नीचे गई और पैदल ही ऊपर आ रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत खड़ी चढ़ाई है तो ये बहुत मुश्किल है। अब जाके मैं होटल पहुंची। ये पार्किंग एरिया से होटल का व्यू है। आज फोर्थ डे है और लगातार 12-13 घंटे से बारिश हो रही है। हम लोग होटल में ही बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। रात भर नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और ठंड बढ़ गई है इसलिए हम लोग अभी भी ब्लैंकेट के अंदर है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। देखो नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। बेटी मेरी टाइम टू टाइम रिसेप्शन वालों को परेशान कर रही है फोन कर करके। बारिश में हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं इसलिए हम लोग होटल के रूम में ही फोटो शूट कर रहे हैं। हम लोग बाहर की स्थिति से बेखबर हैं क्योंकि होटल में ना टीवी का कनेक्शन आ रहा है, ना वाईफाई चल रहा है, ना मोबाइल का नेटवर्क है, तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि बाहर क्या हो रहा है। हम लोग होटल में ही टी पार्टी कर रहे हैं। बारिश बहुत हो रहा है इसीलिए हम लोग अंदर होटल के रूम में ही एंजॉय कर रहे हैं और टी पार्टी कर रहे हैं। कैंडी लाइट टी पार्टी। Happy birthday, Kevin.
आगे वीडियो में मैं आपको रूम का टूर करा रही हूँ। आपको बताना है कि मेरा रूम टूर बेटर है कि मेरी बेटी का। यहाँ पे एक छोटा सा फ्रीज है, बहुत अच्छा है। आप इसमें फ्रूट्स रख जाते हो। वैसे तो यहाँ पे बहुत ठंड है, मेरी फ्रूट्स ऊपर में ही है। ये छोटा सा कबर्ड है, ये कबर्ड है। यहाँ पे एक बहुत खास बात है, यहाँ मिरर बहुत बड़ा है। मुझे बहुत मजा आया। आप अच्छे से तैयार हो के बहुत बढ़िया से देख सकते हो। और अच्छा है, यहाँ पे ऊपर लाइट है छोटा सा, तो उससे व्यू बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एसी है, ये एसी का आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इसी चलाना है, इसे जरूरत तो नहीं होता है इतने ठंडी माउंटेन एरिया है तो। शानदार ये पेंटिंग है, बहुत प्यारा है। और यहाँ पे छोटा सा सोफा भी है और टेबल लैंप है। यहाँ पे भी स्टोर के लिए सामान है, तो कर सकते हो। ये तीनों बार आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी ऑर्डर करना है तो आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। चलो मैं आपको इस रूम का सबसे अट्रैक्टिव चीज दिखाती हूँ। और ये है बहुत ही खूबसूरत बालकनी। ऐसे तो अभी बारिश हो रही है, फिर भी यहाँ पे आप आके मजा ले सकते हो, बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बैठे दिखाती हूँ। ये अच्छा है, बहुत कंफर्ट है इसमें। इसलिए थोड़ा बड़ा भी है, अगर आपके साथ बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पेस अच्छा है। आप अच्छे से तीन लोग आ जाओगे इसमें, किड्स आपके साथ है तो बहुत अच्छा है। ये बेड लार्ज है, ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है। ये आपको यहाँ पे किट मिल जाएंगे, डेली यूज के किट। ये मिरर और इधर शावर रूम है, लॉक हो जाता है। इसमें क्या है, बारिश तो बहुत हो रही है तो इस चेयर में बैठ के तो मजा नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ आप ऐसे मजा ले सकते हो। अम्ब्रेला खोल के बारिश का मजा ले सकते हैं, घूम घूम के। हम लोग इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को एक्चुअल स्थिति का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। बाहर में तो जबरदस्त बाढ़ आई हुई है, बारिश अभी थोड़ी रुकी हुई है, तो हम लोग बाहर जाके देख रहे हैं कि एक्चुअली में स्थिति क्या है। हम लोग का होटल तो ऊंचाई में है तो हम लोग सेफ हैं। बाढ़ का कवरेज तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है, डे 5। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है तो हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर वाले एरिया में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। लगातार 48 आवर्स बारिश के बाद स्काई बहुत ही क्लीन और ऑसम लग रहा है। तो अब मैं आपको अपना होटल का नाम और क्लियर रिव्यू बताती हूँ। इस होटल का नाम सीजन होटल है, ये एक 4-स्टार होटल है। मेरे हिसाब से इस होटल का टैरिफ बहुत ज्यादा है, दोगुना है, बिल्कुल 5-स्टार होटल के रेट के जैसा। ये थोड़ी ऊंचाई पे है, वैसे तो होटल वालों ने पिक एंड ड्रॉप रखा हुआ है, बट अगर कभी आप मिस कर जाओ पिक एंड ड्रॉप तो फिर आपको बहुत कठिनाई होने वाली है उतरने चढ़ने में। कम थे सब, आज दिल्ली निकल गए, हम लोग गए कल का प्रोग्राम है।
मौसम ठीक ही है, हम लोग बहुत जगह रोड बंद है, तो हम लोग सोच रहे हैं ना कि रोड अच्छी तरह से खुल जाए तब वापस सेफ्टी से चले जाए। इसलिए हम लोग आज पूरे होटल में हम लोग ही रुके हैं, बस सारा रूम खाली है। तो मैं रिव्यू बता रही थी इस होटल का, तीसरी बात कि खाना बहुत टेस्टी है इस होटल का। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज 6th day और मेरा चेकआउट का टाइम हो गया है। आज का मौसम तो बहुत औसम है बाहर का। आज का ब्रेकफास्ट हम लोगों ने रूम में ही मंगावा लिया है, हम लोग का सारा सामान पैक है, हम लोग बस चेकआउट कर लेंगे ब्रेकफास्ट के बाद। हम लोग का ट्रिप ये बहुत ही औसम रहा, उम्मीद है आप लोगों को भी देख के बहुत अच्छा लगा होगा। इस ट्रिप में बारिश के अलावा सब कुछ शानदार रहा। आज की ब्रेकफास्ट में पूरी है, सब्जी है, खीर है, पोहा है, और आज हम लोग रूम में ही खा रहे हैं। रूम में भी बहुत अच्छी धूप आ रही है।